हाजिर है जज दा विचार। सत श्री अकाल जी, प्राइम एशिया टीवी ते स्वागत है तुहाडा सारेयां दा। प्रोग्राम चाज दा विचार लैके असीं हाजिर हो गए हां। मैं हां हरमन थिंद, ते अज मेरे नाल स्वरण सिंह टैणा जी मौजूद नहीं, क्योंकि अज असीं पहुंचे हां जी फरीदकोट दे विच पिंड टैणा विखे। उस स्कूल दे विच असीं खड़े हां जिथे अज तो 4 to 4.5 साल पहलां भी असीं आए सी, यानी कि स्वरण सिंह टैणा होरां दे स्कूल दे विच जिथों उन्हां ने पढ़ाई की शुरुआत की। सो अज इस स्कूल दे विच पहुंचण दे पिछे एक खास मकसद है, क्योंकि टैणा साहब दे एक परम मित्र रेशम सिंह रेशम उचेचे तौर पर पहुंचे ने विदेश तो, इत्थे कुछ कु लोड़वंद विद्यार्थियों को कुछ कु जरूरत दियां चीज़ां वंडणियां चाहुंदे सी, पर उन्हां दी एक शर्त सी। उह शर्त इह सी कि उह टैणा साहब की मौजूदगी दे विच उह सारियां चीज़ां देणियां चाहुंदे सी। सो जे टैणा साहब आए ते आपां किवें पिछे रह जांदे, आपां सारे भी तां परिवारक जी हाँ। सो असीं भी आ गए पिछे पिछे, असीं कहा नाले तां पिंड दी सैर होजू, नाले वेखांगे टैणे पिंड ने किन्नी क तरक्की कीती है, किन्ना क विकास होया है, ते नाले असीं भी जाके वेखांगे भाई समागम किवें हुंदा। सो सारा कुछ वेखण लई असीं भी पहुँच गए हाँ टैणा पिंड दे विच। पर हाँ, इत्थे एक चीज़ मैं जरूर तुहानू सारयां नू कहनी चाहूँगी, तुहाडे नाल सांझी करनी चाहूँगी कि सारयां नू जे असी रजदे पुजदे हाँ, जे असी यह कर सकते हाँ, तो हर एक नू लोड़वंद दी मदद जरूर करनी चाहिए है, सानू जरूर अगे आना चाहिए है। रेशम सिंह रेशम होरां तो ये चीज़ जरूर सीखनी चाहिए है। सो वेखांगे जी पिंड दे बजुर्ग टैणा साहब दे बारे च की कहिंदे ने, वेखांगे समागम दे विच की हुंदा। आओ पहला चलते हैं स्कूल की फेरी ते। ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਜਲਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੋ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਟਕੜ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਗਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਮਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਟਕੜ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ,
सरदार गुरदेव सिंह जी, मास्टर गुरमेल सिंह जी, सरदार जुगराज सिंह जी सरपंच, प्रतिपाल सिंह जी बराड़, उस तो अलावा राजपाल वर्मा जी साढ़े पंचायत मैंबर, करमजीत सिंह जी पंचायत मैंबर, होर सरदार दर्शन सिंह जी पहुँचे ने। एक साढ़े बहुत ही सत्कारयोग रिटायर्ड कानूगो साहब इस वर्णटन के नाल ही होंगे, बहुत बारी मिले, कई बार दिमाग चो नाम मिस हो जाता है। कानूगो साहब के लिए जोरदार ताड़ियाँ ला दो, इन सारे संगीतों सानू जोरदार ताड़ियाँ ला दो। असं रस्मी तौर पर जो प्रोग्राम करना है उसके लिए मैं साढ़े स्कूल के मुख्य अध्यापक मैडम श्रीमती आशा राणी जी को बेनती करा कि वह मैक से आके एक बार आए हुए साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मेहमानों जी आए आखणगे। मैडम आशा राणी जी स्कूल मुखी, सारे स्कूल वालों, साढ़े स्टाफ वालों जी आए आखणगे। अज के साडे मुख मेहमान सरदार रेशम सिंह रेशम जी अमेरिका तो, सरदार सुवंत सिंह टैना जी, जिमें सरदार गुरजीत सिंह सर ने तुहानू दस ही दिता भी सरदार सुवंत सिंह जी साढ़े स्कूल के बहुत ही हरमन प्यारे विद्यार्थी रहे हैं। वह भी दिन से जिस दिन इतने बेंदे सी इन्ना तप्पड़ां ते, तो उन्होंने दिनों के स्कूल के हालात तो अज के स्कूल के हालात भी मैं समझदा दिन रात का अंतर पिया गया। एक समा सीगा जदों बहुत सारिया लोड़ां होंदियां सी, तो लोड़ां पूरियां नहीं सी होंदियां। अज किसी के मापे बेशक वह आपदे आप जे कि मैं समझदा कोई कमजोरी होवे, पर बच्चों वास्ते जिंद जान मारन वास्ते तैयार रहिंदे ने। तो जे उस तो अगली गल करिए, जिहड़े इहो जिहे एन आर आई भरा साढ़े बैठे ने, तुसीं देखो कित्थों चल के उन्हां दा किहड़े कर्मां दा पता नहीं लेखा जोखा लिखिया सी कि उन्होंने टहने वास्ते आके दे के जाना सी। इह गल मैं थोड़े नाल क्यों सांझी कर रहा कि कल नूं आने वाले जिहड़े 20 सालों तो बाद तुसीं पता नहीं इन्ना तो उठ के इहो जिहे किड्डे वड्डे नाम बना सकदे ते किन्नियां वड्डियां तुसीं कुर्सियां ते जाके बैठ सकदे। ये बच्चों वास्ते स्पैशल है, थोड़ू मैं थोड़े नाल तां गल सांझी कर रहा, जे स्वर्ण का नाम बन सकता तो अपने पिंड का नाम बन सकता, तो कल थोड़े चो भी कोई ना कोई उठ सकता इस काम वास्ते। पढ़िया करो, वध मेहनत करिया करो, चंगीयां गल्लां सीख के जाया करो। जे कितें किसी की माड़ी गल लगे वह छड जाई दी हुंदी है, उत्थे छड दिया करो, चंगी गल सीख के जाओगे तो बहुत अगे लंघोगे। तो जे हुण मैं गल करां स्वर्ण की, तो उन्होंने नाल मैडम हरमनथ बाजवा जेडे मैं समझदा असी पिछलिया नाम अपने आप ला लें और नाम बनया वह हरमनथ तो स्वर्ण, इन्होंने एक प्राइम एशिया तो यहोजी आपद एक शख्सियत बना ली, एक लोगों के यहोजा स्थान बना लिया। मैं समझदा कि वह बड़े चैनल चले, वैब चैनल चले, मीडिया के आके मैं कहन तो गुरेज नहीं करता गा कि यहोजे हालात भी बने कि एक चैनल वास्ते 100 बंदा देख रहा, एक नूं एक नहीं देख रहा। पर उन्हां सारियां जिन्नियां इन्हां दा आपस च एक तरह का कंपीटीशन सी पत्रकारिता दे खेत्र च, उहदे च अपने आप का एक स्थान बना लैना। तो स्थान कदों बनाउणा, जदों मैं समझदा कि जिहड़े बहुत इहोजीआं शख्सियतां ने जिहड़ियां 60 दी उम्र पार करके उस तों बाद जाके आपदा नाम बनाउंदियां ने, तो इन्हों का उही नाम जोड़ा वो 40+ से आ गया। जोड़ा वह 20 साल का मैं समझना गैप है, जिस दिन इन्होंने उस मुकाम पर पहुँचना उदों मैं समझना कोई ना कोई इन्हों के मुकाबले का नेड़े तेड़े का बंदा नहीं रह जाना। पर यह होया क्यों? वो होया सिर्फ इस करके कि आपकी बेबाकी गल की, ईमानदारी गल की, हर एक अपना बना के रखिया। तो जो बंदा अपना बना के रखे तो सारे ही अपने बन जाते हैं। एक मैं समझदा कि ये परमात्मा वालों कृपा हुई है, अपने नगर से हुई है, अपने सारे वास्ते हुई है। तो यहोजी शख्सियत उन्हां तो इंप्रैस होकर अपने पिंड जाए तो वह उस तो भी वड्डी गल। एक बार फिर मैं समुचे नगर वालों, सारे बच्चों वालों भी, बच्चों के पेरेंट्स वालों भी, थोड़ा इतने आया तो सारे बहुत बहुत जी आया, परमात्मा करे कि तुसीं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो। हुण मैं बेनती करांगा, साडे इस स्कूल दे विच सानू पढ़ाउंदे रहे ने, ते इस स्कूल दे विच हैडमास्टर रिटायर होण तो बाद फिर स्कूल दे नाल जुड़े हुए ने साडे सत्कारयोग सरदार जसवंत सिंह जी, ओह साडे नाल जिथे स्कूल बारे गल्लां सांझियां करनगे। ते साडा नाल दा स्कूल प्राइमरी स्कूल आ, उन्हां दा स्टाफ मैंबर, उन्हां दे बच्चे आए आ, असीं उन्हां दा वी इत्थे पहुंचण ते स्वागत करदे आ, जीआं नूं आखदे आ। अज का दिन है जिहड़ा बड़ा खुशियां भरिया दिन है कि साडे स्कूल नूं
साढ़े उस विद्यार्थी की सच्ची सुची सेवा नूं देख के मैं कहूँगा प्रेरित होए सरदार रेशम सिंह जी की टीम ने साडा स्कूल चुनिया, क्योंकि मैं थोड़ा चिर ही होया रिटायर होए नूं ते मेरी जिहड़ी सांझ आ तुहानूं सारिआं नूं पता है इस स्कूल नाल तकरीबन 28 साल रही है। तां उस समय दे दरम्यान बहुत बच्चे आए और अपनी विद्या लैके चले गए। ये नहीं भी वह कित कुछ करके नहीं दिखा सके, आपदे आपदे फील्ड च बहुते बच्चे कामयाब होए, पर जो इस स्कूल दे और इस पिंड दे हिस्से आई गल वह मैं समझदा हां भी स्वर्ण सिंह टहणा ने लियांदी, जिन्हां ने बड़े ही शिद्दत दे नाल अपने पत्रकारी दे किते विच पैर रखिया और वधदे 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 बुलंदियां ते पहुँच गए, जिहड़ी साडे सारिआं वास्ते माण वाली गल है। और सरदार रेशम सिंह हरां ने उन्हां तों कंसेंट लैके भी असीं तुहाडे पिंड जिथे तुसीं पढ़दे रहे हैं असीं उस स्कूल विच फंक्शन रखना है, तां मैं उन्हां दा इस स्कूल नूं चुणन ते और इत्थे आउण ते स्वागत भी करदा उन्हां दी टीम दा और धन्नवाद भी करदा। जज दा विचार। इस स्कूल दे हेड मिनिस्टर मैडम आशा राणी जी और सारे सरपंच साहबान, इस स्कूल दे अध्यापक साहबान और बहुत ही सोहने तरीके नाल बैठे हुए बहुत ही प्यारे बच्चियो, मेरे नाल मेरे बड़े वीर रेशम सिंह रेशम जी आए ने और ये सारिया दे थोड़े दर्शन इस करके हुए है क्योंकि इस पिंड दी और इस इलाके दी जां आपां पूरे विश्व दी कह लईए एक बहुत ही माणमती शख्सियत स्वर्ण सिंह टहणा जी, तो उन्हां दी बदौलत तुहाडे सारिआं दे जिहड़े दर्शन कर रहे हैं। सब तो पहला तो मैं इस जो टहणा पिंड दे जिन्ने भी पंचायत मैंबर ने, टीचर साहबान, बच्चे, साडे टहणा साहब जी हरमन थिंध जी, मेरे दोस्त लैक्चर आर शंकरदास जी, मास्टर प्रेम सिंह जी, अते बच्चियां दा मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, धन्नवाद करदा कि जिहड़े बड़े ही प्यार दे नाल सारियां गल्लां बैठ के सुन रहे ने। मैं अपने बारे दसा कि तीन चार साल मेरा ख्याल हो गया मेरा प्राइम एशिया ते चज दे विचार दे विच मेरी इंटरव्यू टहणा साहब ने हरमन थिंध जी ने कीती सीगी, क्योंकि मैनू गाउंदे नू मैं 75 तो शुरू कीता सीगा गाउणा ते काफ़ी पिंडां दे विच सारे ही, मतलब मैनू हुण काफ़ी चिर हो गया उधर बाहर अमेरिका दे विच गए नू, मैं इन्हां नू मिल के मैनू इदां लगा कि मैं अपने परिवार दे विच बैठा आ। इन्हां दा जिहड़ा प्रोग्राम आ कामयाब होणा आ उहदे पिछे एक राज आ कि जो यह मूँह तो बोलते ने उही इन्हां दे दिल विच आ। इन्ना साफ सुथरा प्रोग्राम जिहड़ा इन्हां दा कामयाब होण दा परमात्मा की कृपा ही मैं समझ सकदा आ, कि नहीं तो प्रोग्राम बहुत चलते आ, टीवी दे प्रोग्राम बहुत चलते आ, पर अज जिहड़ा प्रोग्राम इन्हां दा पूरा टॉप ते आ उह इन्हां दी नेक नीति नूं आ, क्योंकि फिर मेरे मन में आया कि मैं छोटे भाई साहब सवर्ण सिंह टहणा जी ने कहा, मैं क्या मेरा दिल करता कि जिथे तुम पढ़े हैं मैं उस स्कूल के बहुत जरूरी जाना चाहना हाँ। पिछले साल मैं आना सगा तो ये बाहर गए सके प्रोग्राम के उत्ते, तो इस करके मौका नहीं मिलया, पर अज मेरे लिए बहुत माण वाली तो बहुत बड़ा दिन आ कि जिहड़ा मैं इस स्कूल दे विच आया,
तो परमात्मा की कृपा हुई। तो बाकी जिन्ना तुसी साडा माण कीता उहदा भी मैं धन्नवाद आ। मैं पर अपने दोस्तों नूं दसदा हुंदा मास्टर शंकरदास जी ते अपने प्रेम सिंह जी, मैं कहा मैनू जदों भी मैं उधरों आना मैनू जे कोई कहे भी कि मैं तैनू सन्मानित करना, मैं उत्थे नहीं जाना चाहुंदा। मैनू उत्थे लैके जावो जे कोई बीमार हैगा आ जां स्कूलां दे विच आ कोई लोड़वंद आ उत्थे आपां जाना आ, पर मेरे को इहले टाइम नहीं कि मैनू कोई सन्मानित करे। मैनू सन्मानित दी लोड़ नहीं, क्योंकि जिहड़ा सन्मानित आ उस बंदे दा कीता जाना चाहीदा आ जिहड़ा कुछ करदा होवे। मैं कुछ नहीं करदा, मेरे उत्ते मैं बहुत जिदा गरीबी अमीरी दुख सुख अपनी लाइफ के बच्चे मैं सब कुछ देख लिया। मेरे दिमाग दे विच मैनू पता मैं इंग्लैंड गाउण गया तो उस वेले वीज़ा नहीं सीगा, एंट्री सीगी 84 की मैं गल करदा। तो मैनू उत्थे MP करके एक दिन लई छड़ाया गया सीगा, तो मैनू याद आ मैं उत्थे इह मतलब परमात्मा दे मूहरे अरदास कीती कि इत्थे प्रोग्राम बिल्कुल 84 दे विच बंद हो गए, तो मतलब मेरे इत्थे प्रोग्राम लगन एक दिन लई MP छड़ा के लैके गया सीगा। मैं परमात्मा नूं कहा हे सच्चा पातशाह मेरे इत्थे प्रोग्राम लगन मैं आया किस करके सीगा, लेकिन मैनू इहनी दूजे दिन मोड़ देना आ। उस दिन मैं परमात्मा दे नाल दो गल्लां इह कीतियां कि अज जां तां मैनू छड़ा दे ते जां मैं तैनू मन्नणों हट जाणा, तो जे मैनू छड़ा दूंगा मैं 10वां दसबंध तुहाडा रख्या करूँगा। परमात्मा दे नाल मैं इह वादा कीता सीगा। तो दूसरे दिन जदों सानू वापस असी आना सीगा एयरपोर्ट ते, मैनू पता कि सानू 3 महीने की उन्हें एंट्री ला के पासपोर्ट मैनू देते। तो मेरे उस वेले जिहड़े उत्थे ग्रुप चलते सीगे अलाप ग्रुप सीगा जां होर भी किहड़े काफ़ी सीगे मतलब ग्रुप, पर परमात्मा की एड्डी कृपा हुई रेशम सिंह रेशमे हो गए उत्थे इंग्लैंड दे विच, इन्ना पैसा कमाया। तो 8 महीने मैं उत्थे इंग्लैंड विच रहा, फिर मैं उत्थों आया जो सोना लिया सीगा जो भी मतलब वह मैं सुनियारे दे जाके मुल पवा के उहदा भी 10वां दसबंध परमात्मा का भी मैं रखिया। ये जो आ क्योंकि मैं नहीं करता कि परमात्मा ने कृपा की अज तक आ जो भी आ इत्थे कीता यह परमात्मा का आ मेहनत। यह साडे लैक्चरार शंकरदास जी दिन रात अणथक मेहनत करके ये मतलब किसी भी गरीब कुड़ी का ब्याह होवे कोई स्टूडेंट आ जिदा बच्चे को कपड़े नहीं ले सकते जां कोई बीमार आ, मैं थोड़ा इदां दीआं गल्लां दस सकदा। एक डाक्टर साडे पेशेंट सीगा उहनू प्रोटेस्ट कैंसर हो गए टहणा साहब, उहनां नूं इत्थों सारे पासिआं तों जवाब मतलब मिल गया सीगा। एक दिन पता नहीं किदां मैं उत्थे अमेरिका दे विच जिदा सवेरे सैर करदा सीगा ते नाले मैं पाठ करदा सीगा, उस तों बाद मैं इहनां नूं टैलीफोन दे उत्ते मैं गल मेरी शुरू हो गई। मैनू पता नहीं मेरे दिमाग दे विच की, मैं कहा जिन्ना मर्जी पैसा लग जाए तुसीं बाकी दे काम छड्ड दिओ, इस बंदे नूं बचा लो जिहनूं कैंसर हो गई आ, इहदे उत्ते जिन्ना मर्जी पैसा लग जाए। तो फिर इहनी कोशिश की, कोशिश करके PGI दे विचों उत्थे चंडीगढ़ तों इलाज कीता ते अज तक उह बंदा बिल्कुल जनकी ठीक आ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਦਸਬੰਧ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ। ਮਾੜੀ ਜੇ 100 ਗੱਲ ਸੁਣੂਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗੇ 100 ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੁਣ ਲਉਂਗੇ, 99 ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ
दुश्मन का बच्चा भी जो नशे में लगता उन्हें रोकने की कोशिश करो, ओले ये गल ना करो क्योंकि जेड़ा गाहां उहदा फ्रेंड बनना उन्हें भी नशे ते लाना आ, गाहां दी गाहां लड़ी चल पैनी आ। इस करके बेनती आ, झूठ ना बोलो, सच बोलो, चंगे काम करो। तैना साहब ने इस स्कूल के बच्चे मैनू बड़ा प्राउड आ, अज मैं इत्थे आया इस स्कूल के बच्चे मैं पुछदा सीगा टैणा साहब नू, मैं कहा तुसीं भी इत्थे टाटां ते बैठदे थे, ये कहिंदे टाटां ते कितें असीं तां बोरी भी घरों लैके आउंदे हुंदे सीगे बैठण लई, ते बिल्कुल इन्नियां तंगियां सीगियां फिर गरीबी दे विच पढ़ना। मैं इन्हां दे उत्ते बड़ी मतलब परमात्मा की कृपा समझदा, एक होनहार सानू इस स्कूल ने हीरा दिता ते मैं परमात्मा का शुक्र करदा, एहो जिहा सानू हीरे इदां ही मिलदे रहन। ते क्योंकि मेरे को गल्लां तां काफ़ी ने कहण नू, पर मैं फिर भी सुवर्ण टैणा जी का, हरमन सिंह जी का, इस नगर दियाँ कहिंदे वड्डा पिंड आ टैणा, तीन पंचायतां आ, मैं तिना पंचायतों का धन्यवाद करदा, जिन्हें भी इत्थे टीचर साहबान ने उन्हां दा धन्यवाद करदा, तुसीं सानू इन्ना माण दिता ते धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। जज दा विचार। सब तो पहला तो जिन्या माणयोग शख्सियतां इत्थे पहुंचियां होईयां ने सारयां नू मेरे वल्लों प्यार भरी ते निघी सति श्री अकाल। इस पिंड दे विच आके मैनू कदे वी इह महसूस नहीं होया कि मैं अपने पिंड तो बाहर किसे होर पिंड दे विच आईयां, वैसे तो हर पिंड दे विच रब वसदा, पर सिर्फ तो सिर्फ मैं कह सकती हाँ टैणा साहब की बदौलत। जो मैं इस पिंड दे विच भी आनी हाँ तो मैनू इउं लगता है कि मैं अपने पिंड संसारपुर दे विच ही घूम रही हाँ, क्योंकि जिन्ना माण सत्कार प्यार इस पिंड तो मैं मिलता है वह महसूस ही नहीं होने दिता कि मैं कितने बाहर हाँ। सब तो पहला तो मैं दिली तौर पर समूह अध्यापक साहबानों को धन्यवाद कहना चाहनी हाँ, समुची प्राइम एशिया की टीम के वलों कि सिर्फ तो सिर्फ तुहाडी बदौलत ते टैणा साहब के माँ बाप की बदौलत सानू यह अनमोल हीरा मिलिया। तुसी पढ़ाया ते तां उस बच्चे ने पूरी दुनिया के विच ना बनाया, जे तुसी उन्हां नूं सिक्ख्या ना दिंदे या कोई भी अध्यापक साहबान किसी बच्चे नूं सिक्ख्या ना दवे तां कोई बच्चा दुनिया के विच अपना नां नहीं बना सकता। असीं अक्सर इह सुणदे हां कि अध्यापक वह मोमबत्ती है, वह दीवा है जिहड़ा आप सड़दा ते आले दुआले चानण खिलारदा, पर यह गल्लां सच्चियां ने। जदों निक्के हुंदे उदों इह गल्लां ऐ लगदियां कि एवें ही कोई सुनाई जांदा है, पढ़ियां पढ़ाईयां रटियां रटाईयां गल्लां ने, पर यह गल्लां वाकई सच्चियां ने। जदों तुसीं थोड़े जे वड्डे हुंदे हो उमर दे विच जिवें जिवें अगे पड़ाव वधदे हो तिवें तिवें तुहानूं यह गल्लां समझ च आउंदियां ने कि नहीं साडे अध्यापक साहबानां ने बहुत मेहनत कीती है साडे ते, साडे अध्यापक साहबानां ने सानूं उह गुण दित्ता जो शायद कितों वी नहीं सी मिलना। उहनां ने सानूं किताबी दुनिया दा ज्ञान भी दित्ता ते उस तों बाहर दा ज्ञान भी दित्ता जो शायद कितों नहीं सी मिलना। सो बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया है कि तुसीं सानूं इहो जिहा होणहार विद्यार्थी अपना जिहड़ा उह साडे कोल भेजिया। और टैणा साहब दे बारे च एक गल मैं जरूर कहूँगी कि उन्होंने पढ़ाई प्रति प्रेम नूं तुसीं इत्थों वेख सकदे हो कि अक्सर असीं टैणा साहब नूं कई बार इस गल्लों छेड़दे भी हुंदे आ वी कोई भी गल कर लो टैणा साहब नाल ते इहनां दा सवाल एक ही हुंदा दूजे बंदे नूं निरंतर करन दे लई, किताबां किन्नियां पढ़दे हो, किहड़े लिखारी नूं पढ़िया, किहड़ा लेखक पसंद है। सब तो वड्डी गल ए मैं BSc IT कीती सी, उस तो बाद इस किते दे विच पै गए ते एक दिन मैनूं टैणा साहब ने कहा वी तुसीं हरमन जी MA करो, तुसीं सिर्फ BSc कीती है ये गल चंगी नहीं, तुसीं MA करो। ते सिर्फ इन्हां दा करके इन्हां ने इन्ना उत्साह दिता कि मैं MA दा दाखला भरिया ते अज मैं MA कीती है, तो सिर्फ इन्हां दी बदौलत कि इन्हां ने मैनूं ये गल कही सी कि हरमन जी कोई गल नहीं प्रोग्राम आपां कर लांगे, तुसी चाहे कोरेस्पोंडेंस MA दे फार्म भर दो, तुसी MA करनी है। ते जदों इहो जे साथी नाल होण, जदों इहो जे पत्रकार नाल होण, जदों इहो जे लोग जिन्हां दी देख रेख दे विच तुहानूं काम करन दा मौका मिले तो मैनूं लगदा कि तुसी सब कुछ ही हासिल कर लैंदे हो। मैनूं किसे ने गल कही सी कहिंदे जी मेरे कोल 10 साल दा तजर्बा है पर मैं अपने विद्यार्थी नूं 11 साल दा तजर्बा दऊंगा। मैं कहा जी विद्यार्थी नूं तां 1 साल होया तुहाडे कोल ते उहदे कोल 11 साल दा तजर्बा किवें होया, वह कहते 10 साल का मेरा भी बिच है। सो जे असी टैणा साहब ना काम करते हैं तो इन्हों का जिन्ना तजर्बा है यो तजर्बा साढ़े भी पाते हैं, ता ही प्राइम एशिया की टीम समय समय से इन्हों की अगवाई के सारे नेक काम जोड़े वो कर पाने, ता ही असी कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया क्योंकि योजे लोग इन्हों की देख रेख असी काम कर सके। सो मेरे लिए बहुत वही गल है कि अज इन्ना व्डा समागम हो रहा और मैं वह हिस्सा तो सिर्फ टैणा साहब खातर ते दूसरे बन्ने रेशम सिंह रेशम होरां तो वाकई यह सीखण की जरूरत है। जो पहली बार भी असीं इन्हां तों मिले सी ते इन्नी हलीमी इन्नी निमरता इन्ना प्यार मैं पहला बहुत घट लोगों के विच वेख्या, पर
जिन्ना माण सत्कार इन्होंने सानू दिता वाकई काबिले तारीफ से। सो जो ये नेक काम समाज के लिए कर रहे हैं या इन्हों के मित्र जो नेक काम समाज के लिए कर रहे हैं सानू सारियां नू इहदे तों सीखण की जरूरत है। सानू तां गुरु साहिबान ने भी कहा दसवंध कढ़न लई पर बहुत घट नेक रूहां ने जिहड़ियां वाकई ये काम कर रही ने। सो जे रेशम सिंह रेशम होरी ये काम कर रहे हैं तो मैं लगता सानू सारियां नू इन्हां तों जरूर सिक्ख्या लैनी चाहिए है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा भी। हाजिर है जज दा विचार। बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिली तौर दे उत्ते आपदे पिंड दे विच बोलना ते खास करके आपदे स्कूल दे विच बोलना यह सच्ची मुची बड़ा औखा काम वा, क्योंकि पिंड दे विच बंदे नू संग जी लगती है ते स्कूल दे विच बोलना सिख्या हुंदा इत्थे पढ़े हुंदे आ इस करके ना संग जी अंदरों अंदरी लगती है। बंदा कितें भी कुछ भी बोली जाए पर आपदे घर दे विच आ के बोलना सच्ची मुची औखा मेरा ख्याल भी सारिआं नू लगदा होणा। मेरे कोल शब्द नहीं हैगे, मैं निशब्द आ इस वेले। सत्कारयोग साडे अध्यापक साहिबान सरदार जसवंत सिंह जी, उदों जदों असीं इत्थे पढ़दे हुंदे सी जदों आप दीआं बोरियां झोलियां दे विच पा के आउंदे हुंदे सी सानूं पता नहीं सीगा वी जिंदगी इदां दे मोड़ वी घटदी हुंदी आ, पर उदों इन्हां दा तजर्बा सी ते असीं न्याणे सी, असीं इलती सी। ते अज मैं माफ़ी मंगदा इत्थे सारिआं दे सामणे कि असीं बहुत इलतां कीतीआं होणियां ते उदों सानूं इस गल की समझ नहीं सीगी। तो सच्ची मुची तुहाडे वर्गे अध्यापक साहिबान आ जिहड़े उन्होंने कोलों सानूं माफ़ी मंगनी भी चाहीदी है। जदों साडी दसवीं की पार्टी सी जिहनूं विदायकी पार्टी आपां करदे आ उदों सत्कारयोग मैडम जी शिमला देवी जी जिहड़े सानूं समाजिक सिक्ख्या पढ़ाउंदे सी उन्होंने एक गल कही सी, उदों उस गल की भी समझ नहीं सी भी इहदा मतलब की होए। उन्होंने कहा जी कि अज तो बाद तुसीं मिलना चाहोगे आपस दे विच जिन्ने जमाती आ तुसीं मिल नहीं सकोगे ते इत्थे तुसीं नित एक दूजे दा झग्गा पाड़ी रखदे सी। ते इह गल सच्ची सी, उन्हां दी उम्र दा तजर्बा सी ते सच्ची मुची मिलन नूं बहुत चित करदा भी गुरविंदर बाई नूं मिलीए, करमजीत बाई जी नूं मिलीए, रणजीत बाई नूं मिलीए, प्रेम बाई नूं मिलीए, लखविंदर बाई नूं मिलीए, सारिआं नूं मिलीए। पर कई वारी चित करदा होण दे बावजूद नहीं आया जांदा क्योंकि हर बंदे दे कम दे विच रुझेवें इहो जिहे हो जांदे आ। सो रेशम बाई जी ने बहुत वड्डा उद्यम कीता। असल दे विच पिछले 2 सालां तों ये लगातार कह रही थी कि असी तुहाडे पिंड दे विच आउणा ते असी तुहाडे पिंड दे विच आ के बच्चों नूं कुछ क समान देना चाहुंदे आ। मैं कुछ कावदे रुझेवें दे करके इन्हां नूं जानकारी नहीं दे सकिया। फिर मेरे मन दे विच कई वार ये भी धुड़कू रहिंदा सी कि जिहड़े हुण सानूं अध्यापक साहिबान पढ़ाउंदे रहिंदे सी ओह हुण सारे सेवा मुक्त हो गए, हुण मैं संपर्क किहदे नाल करां। फिर मैं साडे पिंड दे सरपंच साहब तों नंबर लिया, फिर सत्कारयोग मैडम जी दे नाल गल कीती, आशा राणी जी दे नाल, फिर मैडम जी गगनदीप कौर जी दे नाल गल कीती। तो उस तो बाद उन्होंने कहा जी कि साढ़े स्कूल दे विच अपने स्कूल दे विच इन्हां इन्हां चीज़ां की जरूरत है। मैं इन्हां नूं बेनती करती ये चीज़ां लै आए, पर इन्हां ने भी नहीं सोचा सी, मैं भी नहीं सी चाहुंदा कि इदां दा समागम रचाया जाए। इन्हां ने यह गल कही सी कि आपां समान दे के वापस चले जाना, पर जिस तरीके दे नाल स्कूल दे प्रबंधकां दे वल्लों साढ़े मोहतबर जिन्नियां भी शख्सियतां इत्थे बैठियां, मैं कल्ली कल्ली शख्सियत दा नां लवां, वो समा लग जाना, पर मेरे लिए सारियां सत्कारयोग शख्सियतां उन्हां ने यह समागम रचाया, मैं दिल दीआं गहराइआं दे विचों धन्नवाद करदा। पिंड दे विच बहुत कुछ साडे चंगा हुंदा। मैनूं टोरंटो दे विच पुछिआ सी थोड़ा पिंड किहो जिहा, मैं कहा जी टोरंटो तों वी सोहणा, क्योंकि हर बंदे नूं आपदा पिंड सोहणा ही लगदा हुंदा। जिहड़े भी इस वेले साडे भैणा वीर देख रहे प्रोग्राम, जिहड़े भी इत्थे बैठे भैणा वीर, उहनां सारिआं नूं आपदा पिंड बहुत सोहणा लगदा होणा। जदों जदों किलोमीटर घटदे जांदे, जदों मैं जलंधर तों मोगे पहुँचना तां किलोमीटर लगातार 1 किलोमीटर होर निकल गया, 5 किलोमीटर होर निकल गए, 10 किलोमीटर होर निकल गए, तां चित उडू उडू करदा वी आपदे पेके चले आ। इत्थे आ के भावें के सजना मित्रां नूं मिल के दुख सुख जिन्हां दे घर दे विच वापरिया, कुछ क भैणां वीरां नूं उन्हां नूं मिल के वापस जाने आ, पर इत्थे आउण दा स्वाद होर आ, हर बंदे दे पिंड दा स्वाद होर आ। ते जिन्ने भी दुनिया भर दे विच बैठे भैणां वीर आ जिहड़े कि आपदे पिंड दे नाल जड़ां दे नाल जुड़े हुए आ, उन्हां सारिआं नूं सलाम करदे आ। मैं रेशम बाई जी नूं कहना चाहुंदा कि जेकर ये चाहुंदे तां पिंड दे विच टोचना वाला मुकाबला भी करवा सकदे सी, ये चाहते पिंड दे विच कोई ना कोई होर इहो जिहा पुट्ठा सिद्धा काम भी करवा सकते सी जिहदे करके खबरां वड्डियां बन जांदियां। पर जिहड़े भी लोग इदां दे उद्यम करदे आ, लोड़वंद बच्चा दी मदद करदे आ, किसी कैंसर पीड़ित की मदद करदे आ, किसी पिंड दे स्कूल की मदद करदे आ, पिंड दे विच पाणी दे प्रबंध दा काम करदे, मैं उहनां दा सलाम करदा, बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सानू NRI भैणां वीरां दे उत्ते बेहद माण। मैं अक्सर यह गल कहना हुंदा कि सरकारां जिन्ना कुछ करदियां जो कुछ करदियां उहदे बारे विस्तार च जाण दी लोड़ नहीं, आपां नूं सारा कुछ पता, पर असीं आपदे NRI भैणां वीरां दा सत्कार इस करके करदे क्योंकि वह गए सी घर दी गुरबत कढ़न दे लई,
उन्होंने गुरबत भी कढ़ी ते आपदे पिंड दे नाल भी जुड़े आ ते अज पंजाब दी तरक्की दे विच जिन्ना उन्हां दा वड्डा योगदान आ उहनूं आपां घटा के नहीं देख सकते। वह चाहुण तां होर कम्मां काजां दे लई यार इक कोठी होर पा लैंदे आ यार इक गड्डी होर लै लैंदे आ, पर मेरे बहुत सारे दोस्त आ जिहड़े कि समें समें दे उत्ते इहो जिहे उपराले करदे आ। एक आस्ट्रेलिया तों गोसल फैमिली आ, वह साढ़े बहुत नेड़ले मित्र ने, उन्होंने अपने पुत दे विआह दे विच ज इन्हां ने कल कहती भी भाई असीं कोई खर्चा पट्ठा नहीं करना, पर जिहड़े भी उत्थे उन्होंने कोले पैसे विआह दे लई खर्चे पट्ठे वाले सी उन्होंने सारे पैसे दे नाल आपदे पिंड दे विच स्कूल बनाया, उन्हां दा धन्नवाद करदे आ। होर भी बहुत सारिया शख्सियतां इहो जिहियां जिहड़ियां कि इदां दे उद्यम करदियां, पर मेरी बेनती है कि असीं जिहड़े भी लोग भावें घट करदे आ तिल फुल कम करदे उन्हां दा सहयोग देईए। मेरा एक सज्जन आ जी पाल सिंह सिखों, वह आपदे पिंड दे विच आ के ते हर साल 13, 12 जां 14 कुड़ियां दे विआह करके उपराला करके जांदा। कई लोग कई सज्जने भी गल कह दिंदे भी यार पता नहीं बाहरों आया, पता नहीं किन्ना इकट्ठा करके लिया होना, इत्थे किन्ने कलाते होने, मौजां लगियां होईयां, पर किसी कारण दे करके करोना महामारी दे विच उह 2-3 साल अपने पिंड दे विच नहीं आ सकिया। जिन्हां ने बहुत सारिया नगोचा कीतियां, जिन्हां ने किंतू की उन्होंने एक भी वार उपराला नहीं किया। इस करके जिहड़ा भी बंदा घट वध उपराला करदा उहनूं असीं सलाम करिए, उहदा वध तों वध सहयोग देना शुरू करिए। गल प्राइम एशिया की चली है, हरमन जी ने काफ़ी कुछ बोलिया, असल दे विच गल ये है जी कि साडा अदारा जिहड़ा वह ये कोशिश करता जी कि असी सच के नेड़े तेड़े रहिए। मैं नहीं कहना भी असी 100% सच बोलिया होगा, साढ़े को भी बहुत बार उकाइया होंदिया, पर गल ये भी कोशिश करते हैं असी कि सच के नेड़े तेड़े रहिए, तो उन्होंने तुम प्यार दें तो यह सानू बोनस दे विच मिलता। सो यही साडा जिहड़ा रिश्ता यह लगातार अगे तो अगे साझा हुंदा रहे, अगे तो अगे पीड़ा हुंदा रहे। गल ये भी कुड़ियों की गल जो करते हैं तो कुड़ियां चिड़ियां माण सन्मान अज समाज दे विच कितना मिलता, इहदी भी एक उदाहरण आ। क्योंकि पत्रकारिता दे खेत्र दे विच विचरना कुड़ियों दे लई भी चुनौती भरिया काम आ। कई बार असी रात को 1 बजे भी प्रोग्राम तो आने, कई बार 3 भी बज जाते, कई बार 11 बजे भी आने हैं, तो हरमन थिंद होर ने कदे यही गल कही कि मैं तो 3 बंदिया दे विचाले बैठ के क्यों जावां। इन्हां दे मापिआं नूं इन्हां ते यकीन आ, इन्हां ने अपने मापिआं दी इज्जत किवें रखनी आ, तो साडा सत्कार बनता जी कि असी इन्हां दी संभाल किवें करनी आ। यह सारा कुछ मिल के मिलवरतन के नाल भाईचारक सांझ के नाल ही अगे वधदा। सो मैनूं अपने पिंड दे विच आउण दा हमेशा ही चा रहिंदा जिवें सारिआं नूं रहिंदा। सो बहुत चंगा लगता इन्हां बच्चिआं नूं देख के, इउं लगता जी कि साडा बचपन कितें मुड़ आवे, असी इदां ही बह जाईए गल फेर आ। पर बचपन आउंदा नहीं तो समस्यावां जांदियां नहीं, यही समस्यावां तो यह वेला निकलता नहीं तो वह वेला आउंदा नहीं, ये आपां सारे जाणदे आ। बोरियां की गल चली सी, असी तो बोरिया के पिछे नेती झग्गा पाड़दे सी एक दूजे का, मैं अपनी बोरी लैके आनी, गुरविंदर ने अपनी बोरी लैके आनी, रणजीत ने अपनी लैके आनी, प्रेम ने अपनी बोरी लैके आनी, सानूं तां टाट मिले ही नहीं सी। जे कित टाट के उत्ते कित पिट्ठ लग जानी सानूं ऐ लगना भी अज तो असी अंबानी वर्गे हाँ, अज असी बोरी की थान टाट के उत्ते बैठे हाँ, असी तप्पड़ां के उत्ते बैठण नूं भी तरसदे रहे हैं। पर समय ने बहुत कुछ दिता, सरकारां बदलियां, कई कुछ बदलिया, कई कुछ बदल सकता, शायद बदलूगा भी जेकर सरकारां सुहिरद होण। बहुत चंगे प्रबंध लगते हैं, असी जो पिछली बारी लगभग 5 साल पहले इतने प्रोग्राम किया तो कली कली चीज़ दिखाई सी कि उस स्थान के उत्ते बोर्ड हुंदा सी, इस स्थान के उत्ते जिथे बच्चे बैठे आ साडे सत्कारयोग अध्यापक साहबान जिहड़े कि DP साहब, वह सरदार तजिंदर सिंह, उन्हां दा लाल रंग का हीरो हांडा खड़ा हुंदा सी, उहदे उत्ते असी खड़ बह के ते फोटोआं खिचवाउणियां, साडा चा ही नहीं सी चक्का जांदा, आपदे आप नूं वेख के लगी जाणा वी भाई मेरे वर्गा कौण आ, पर सच्ची मुची असी कासे जोगे नहीं सीगे, इहनां अध्यापक साहबान दे करके ही आ। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद आ जी, आपदे पिंड दे विच आ के हर बंदे नूं चंगा लगदा, पिंडां दे विच खुशहाली बरकरार रहे, पिंडां दे विच धर्म दे झेड़े मुकण ते पार्टीबाजी खत्म होवे ते पिंड इक होण, इहदी असीं कामना करदे हां। सो सारे पिंडां दे विच स्कूलां दी चढ़त रहे, अध्यापक साहिबान जिंदा रहन, बहुत बहुत धन्नवाद। जज दा विचार। लो जी, इस वेले मैं पहुंची हुई हाँ टहणा साहब के स्कूल दे विच, ते मेरे नाल मौजूद ने हुण दे मौजूदा स्कूल मुखी मैडम ते नाल ही जिहड़े सेवा मुक्त हो चुके ने इत्थों दे स्कूल मुखी सरदार जसवंत सिंह होरी, पिंड दे कुछ कमोतबार ते नाल दी नाल टहणा साहब दे यार मित्र, ते इहनां दे नाल आपां गलबात करनी है ते टहणा साहब दे बारे च जाणांगे। सब तो पहलां जिन्हां दे कोलों टहणा साहब गणित पढ़ते रहे ने यानी मैथ्स पढ़ते रहे ने उहनां दे नाल गलबात करदे, यानी कि जिहड़े स्कूल मुखी रह चुके ने सरदार जसवंत सिंह हुणां दे नाल। सो बहुत बहुत स्वागत है सर थोड़ा। हाँ थोड़ा भी जी, मैडम जी, जी आया नू। हाँ जी, स्वर्ण सिंह टहणा दे बारे जिन्ना कुछ भी कहा जाए थोड़ा, एक इस स्कूल दे विच स्टूडेंट होने के नाते बहुत ही मैं कहूँगा अच्छे स्टूडेंट सीगे, आग्ञाकार सीगे, हमेशा आपदा जिहड़ा काम है
रूटीन च करके लियांदे सीगे और डर रखदे सीगे वी जे मैं ना कीता तां मैनूं इहदी सज़ा मिल सकदी है जां कोई वी मेरा टीचर अध्यापक गुस्से होऊगा। और इस तो भी गां उह इक टीचर दे नहीं वी कल्ले मैथ टीचर दे ही सारे अध्यापकां दे ही हरमन प्यारे स्टूडेंट सीगे, मतलब जदों पढ़दे सीगे बहुत ही अच्छा बिहेव करदे सीगे। निक्की मोटी जिवें आपां अक्सर करदे हां बच्चां दे विच हुंदा है शरारत दी गल, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿਹਿੱਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਵਿਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਵਸ਼ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਲਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਰੁਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਟਹਿਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 10-11 ਵਜੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਦਾ ਅੱਜ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਵਰਨ ਟਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਦੀ ਝੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਰਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟਿਆਣਾ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ?
इस स्कूल से सरकार वालों बच्चों वर्दियां दिती जा रही है, मिड डे मील दिता जा रहा, बच्चों फ्री किताबा दिती जा रही, तकरीबन हर एक फैसिलिटी बच्चों दिती जा रही है। बाकी जेडे कोई होर बच्चों नाइनथ टेंथ के बच्चों नहीं यूनिफॉर्म सरकार वालों दिती जाती तो वह फिर सरकार स्कूल के जेडे पिंड के पतवंती सज्जन है या कोई होर एन जी ओ है उन्होंने वालों सानू कोई ग्रांट दिती जा रही है या वर्दियां दिती जा रही, जिस के नाल असीं अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हैल्प करते हैं। इस स्कूल की खासियत यही है भी इस स्कूल चो बहुत वधिया नामवर बच्चे पढ़ के गए हैं, जिवें सवंत सिंह टहना जी, सरदार बलजीत सिंह बराड़ जिहड़े सीओ होए है, तो होर भी बहुत सारे वधिया स्टूडेंट पढ़ के गए हैं। मैं 2019 च इत्थे आते बहुत माण महसूस करती हाँ कि मैनू टहना पिंड मिलिया एज ए हैड। इस करके जदों इस स्कूल दे विच आए सी उदों कदे सुनिया सी सवंत टहना होरां दा नाम? नहीं, पहला मैं इन्हों का नाम ज़्यादा नहीं सुनिया सीगा, इत्थे आने तो बाद ही मैनू मिलिया, तो हुण दूसरा मौका जदों मैं इन्हां नूं मिली हाँ तो मैनू बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, तो मैं इस खुशी नूं अपने अखरां च बयान नहीं कर सकती। जो अज प्रोग्राम होया जां जो उन्हां नूं माण महसूस हुंदा उन्हां दी नाम बुलंदियां दा, उन्हां दा दुनिया च नाम बुलंद होने पर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि साडा मेरा आपदा स्कूल इन ही बुलंदियों से नाम जा रहा स्कूल का भी। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी। असल च सही बंदा साडे हाथ आया, क्योंकि जेड़ा बचपन का दोस्त हुंदा उहदे कोल बहुत सारे राज बचे हुए हुंदे ने, बहुत सारिया गल्लां हुंदियां ने, ते ए जरूर कोई ना कोई गल खोल के अज दसणगे, ते ओह सारी गल आपां अज खोल लैणी है कैमरे के सामने सारे परिवारक जी मूहरे। स्वर्ण सिंह टहना साडा छोटा वीर है, बड़ा उहदा नाम है, बड़ी वड्डी शख्सियत है, बड़ा माण हुंदा जदों उहदे बारे कोई गल सानूं पुछदा है, पर साडे वास्ते उहदे नाल जिहड़ा दोस्ती दा रिश्ता है सी उह बरकरार रख्या होया, और उहदे विच वी कोई फर्क नहीं पिया, साडे नाल उसे तरह विचरदा है, उसे तरह ही मिलदा गिलदा है। मेरे तो 2 साल जूनियर सी स्कूल दे विच। शरारतां दी गल कीती है तुसीं, शरारतां तां सारे बच्चे ही करदे आ, पर मैनू लगता नहीं भी कि बाली शरारत जां बहुत ही कोई इस तरह की शरारत की होवे जिहड़ी कोई उहने किसे तरह की जिहड़ी सानू पंच हुंदी होवे। निक्कियां मोटियां शरारतां असीं सारे असीं करदे रहिंदे सी, निक्कियां मोटियां ही पुछ रहे हैं क्योंकि थोड़ा चेहरा बहुत कुछ बयान कर रहा है, ये हुण दोस्त दीयां शरारतां ते पर्दे ना पाओ, ये गल्लां पढ़दे नहीं असीं, पढ़दे वाली गल ही नहीं करदे, असीं हसदे खेडदे रहिंदे सी। मैं एक गल जरूर कहांगा, पहला वह बड़ा सीरीयस बच्चा सीगा, शुरू तो ही सीरीयस शख्सियत का मालक है, उहदा अंतरमुखी रहिंदा है, तो मैनू लिटरेचर नाल बड़ा शौक सीगा, हुण भी है, मैं किताबां लियाउणियां, इहने मेरे तो किताबां लिजा के पढ़नियां, तो कई बार किताबां बदलन वास्ते आउणा तो घरे भी असीं शरारतां करनियां, तो मैनू इन्ना क याद है भी कई बार असीं वड्डे सीगे तो इहनू खिजाउण वास्ते कोई ना कोई किताब ना देनी, जां गुरविंदर ने कहना मैं किताब नहीं देनी, इह किताब मैं लैके जाणी आ, तां इह बड़ा मासूम जिहा हुंदा सीगा, तो कई बार तां असीं ना मतलब जिवें जदों ज़्यादा खिजाउंदे सी तो रो पैंदा सी, इन्हें रोन लग पैना, फिर असं बुक्क लैके उन्हें चुप करवाना, फिर कट्ठे बैठ के खाना, इन्हें कहना मैं तेरे डैडी नूं दसूँ जां मैं आपके पापे नूं दसूँ, शरारत तुसीं मैनूं ऐ करदे, मैनूं किताब नहीं दिंदे, मैं स्कूल च शिकायत लाऊँ सर नूं दसूँ, अभी कहना यार शिकायत ना लई, कोई नहीं किताब लै जा, तो इन्हें पढ़ के किताब 5-7 दिन बाद फिर आना बई किताब होर लिया है, तो इन्हें शुरू तो लिटरेचर का सगा, असं एक दूजे एक्सचेंज करते रहे, सो बड़ी वधिया गल है कि अज उन्हां दी बदौलत असीं तुहानूं सारे मीडिया नूं ते साडे होर साडे जिहड़े लैके आए हो जिहड़े इन्हां रही वीर जिहड़े आए है उन्हां दे नाल रूबरू होए, साडे स्कूल दे विच फंक्शन किया गया, साडे लई बड़ी माण वाली गल है, तो असीं यही कहने हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ने। स्वर्ण सिंह टहना एक बड़ी वधिया शख्सियत है जो कि शुरू तो लैके अंत तक मैं लगता इसे तरह ही रहणगे, तो वह शरारतां भी करते रहे, हुण भी चुटकले सुणाउंदे आ, कदी कदी साडी महफल च सुणाउंदे रहिंदे सी इसे तरह ही हुण, और उस चुटकलों के हासा मजाक साडा चलता रहिंदा सी, हुण वी उह कर लेंदे आ, अज भी असीं करदे रहे हैं, सो बहुत वधिया गल लगी। नहीं, टीवी ते आउण दे पिछों कोई शख्सियत दे विच तब्दीली कोई बंदा हो जांदा? मैच्योरिटी तां हुंदी आ हरेक बच्चे च, हरेक बंदे च आउंदी आ, मैं भी उह गल्लां हुण पुरानियां असीं बच्चे वालियां नहीं करदे, पर कदे कदे जी करदा हुंदा कि असीं बचपन दे विच जाइए तो उह शरारतां करिए, इक दूजे दे चूंडी वढ़ती, बाह मरोड़ती, तो जिवें उही गल उहदे शब्द है वी झग्गा पाड़ता, असीं इहो जिहे कम करदे रहिंदे सी, सो वधिया गल आ, असीं उस जिंदगी नूं इंजॉय कीता, मतलब साडा कुल मिला के जिहड़ा बचपन है ना और रंगीला बचपन रहा है, मिट्टी च लिटी जाना, खेडना, गुरविंदर के घर गए, उत्थे बह जाना। एक होर थोड़ी मैं गल दसा जी, अज जरूरी गल वो है कि साढ़े च तेर मेर नहीं सी, स्वर्ण आ जाता सी, गुरविंदर आ जाता सी, मैं घर बैठा जा सी, इन्हां दे घर चले जाते, तो असं कदे खाण की वह नहीं की सी भी इस घरों नहीं खाना, खो के खा जाते, कई बार मावां नूं पता ना लगना सी, चक के बनया हुआ जिहड़ा समान हुंदा सी ना, रोटी है
चटनी है जो होर भी है, कई बार दुध भी पी जाना तो मावा ने गाला कढ़नी भी चाह बना सी तो तुम पहले ही पी गए, अही कहना तो पी गए जी, तो हम की करा असं भज जाना मुड़ के दूजे घर जाके दूजे की मम्मी को बहना भी सू घरों चाह नहीं मिली इतों बना दो, तो उन्होंने चाह बना देनी नाले प्यार करना नाले साड़िया मावा ने गाला कढ़निया नाले सानू गुक्कल च लैना भी थोड़ा अं प्यार बनया रहे। जज का विचार सब तो पहला तुहाडे प्राइम एशिया चैनल का ही धन्यवाद करते जिन्होंने आके ये प्रोग्राम कवर किया जी। बाकी जो आप गल करिए सवर सिंह टहणा की, सवर सिंह टहणा ने साढ़े पिंड टहणे का पूरे वर्ल्ड दे विच नाम मशहूर करता जी, तो तुहाडा बाकी ही प्राइम एशिया से तुहाडा प्रोग्राम चाहिए विचार सुनते रहने हैं, सानू बहुत वधिया लगता थोड़े कनेडा अमेरिका के जिन्हें भी प्रोग्राम तकरीबन सारे सुनते रहने जी। बापू जी दे बारे च, उनां दे माता जी दे बारे च, घर दे हालातां दे बारे च अक्सर गल्लां सुणदे रहिंदे आं, अज तुहाडे तों वी पुछणा चाहुंदे आं वी की हालात सी, किन्हां हालातां चों निकल के सवर्ण सिंह टहणा इत्थों तक पहुंचे। सानूं पहलां पहलां तां औड़ जिहा लगदा सी वी इह फरीदकोटों आए शहरों आए है, तो बाद हौली हौली सानू इन्ना ज़्यादा मतलब असी को मिल गए भी सानू पता ही नहीं सी भी ऐ है, उस तो बाद सानू वो चीज़ मतलब उच्ची नीवी जां की है मतलब जिवें कह दईए भी अमीर गरीब वो चीज़ां नज़र ही नहीं आउंदियां सी, मतलब एक फैमिली तरह रहन लग गए। ये शुरू तो ही साढ़े चो मतलब संसियारी सियाणा कह लीए साढ़े सारी क्लास चो भी सियाणे हुंदे सी, जदों असी कोई शरारत करनी इन्हें समझाउणा भी बड़े वधिया तरीके नाल सानू सारयां नूं भैण भरावां सिस्टर सी इहदे इकट्ठे रहना असी सारा दिन, चाची जी सीगे ना उन्होंने कदे फर्क रखना साढ़े नाल इकट्ठे बहुत वधिया रहिंदे सी, मतलब उस तो बाद हौली हौली फिर चाचा जी बीमार रहन लग गए ते उदू बाद फिर ये आप जान लग गया मतलब पत्रकारी दे सिस्टम जाल, मतलब उस टाइम बहुत टाइट सी जिस हिसाब नाल भी इत्थे पहुंचा भी बहुत ज़्यादा लगन ते मेहनत सी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दसना ते एक देखना वो बहुत फर्क है, बहुत लगन सी बहुत ज़्यादा मतलब शिद्दत ना ये इत्थे पहुँचा स्वर्ग, तो सानू माण आई इस बहुत बहुत मतलब जी साडा नाम सानू हजे भी इहनू जिहदे नाल गल करदे आ ना सानू ऐ इंज नहीं हुंदा वी स्वर्ग, क्योंकि साडी बहुनिंग ही उवें दी आ मतलब नहीं असीं उदां ही वट्सएप ते करनी उदां ही कर लेनी ना इन्हें कदे महसूस होण दित्ता भी मैं इत्थे पहुँच गया ना ही कदे उहनू सानू होया, बहुत वधिया परमात्मा करे होर इहनू गंदी ते लै के जाए। शरारत मतलब शरारत सारे करते बच्चे, मतलब शरारत होना स्वाभाविक आ बच्चों बट मतलब जे असी शरारतों की गल करिए साढ़े ना ये हाइट के भी निका सगा असी उदो मतलब थोड़े व्डे से हूँ मतलब पिछों इन्हें हाइट की आनू असी दबा लेंगे सके, मतलब जी सच्ची गल एक बारी की गल मतलब निकी जी गल ही है झूलों के बोरी लेके आते सारे बच्चे मतलब उमें चलते मीह पैन लग पिया तो हो गई अही इन बिठा लिया साइकिल पर, तो अभी मतलब साइकिल पर मैं चला लग पिया तो दूसरे बच्चे ना सिर के उत्ते बोरी जिम्मे मीह पैन लग पे तो फोल्ड करके लै लेंगे सके, जिमें आप हूँ तो छतरी वगैरह का प्रबंध हो गया तो अभी फुल मतलब मीह बारिश के फुल भजाई जाते साइकिल ये पिछले बैठाई इन्हें चक्या दूजे की बोरी चक के आपके सिर पर लै ली बेचारा पिछले साढ़े बजे ही उसको गांह गचता साइकिल, मतलब कहने का मतलब यह शरारत कोई आई नहीं सी भी किसी को कोई हर्ट करने वाली या कोई नुकसान वाली, मैं निकिया जिम्मे आम बच्चों दिन मतलब शरारत होंसीयर मतलब भी ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸੀ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗਾ ਭੁਲਾ ਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਾਉਣਾ ਕਦੇ ਟੌਫੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਹਰਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵਕ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
दरख्त दे नाल डेस्क दे नाल तप्पड़ां दे नाल स्कूल दी हर चीज़ दे नाल घंटी दे नाल नलके दे नाल हर चीज़ दे नाल इक सांझ हुंदी आ क्योंकि तुसीं उहदे पिछे लुकण छुपाई भी खेडी हुंदी आ लुकण मिट्टी जिहनूं कहिंदे आ होर बड़ियां खेडा खेडियां हुंदियां दरख्तां दे उत्ते छालां भी मारियां हुंदियां मैनूं इह सारा कुझ इत्थे आ के उवें फिल्मी दृश्य वांगूं चेते आउंदा पर मैं इक गल जरूर कहनी चाहुंदा किसी बच्चे का बचपन खुसे ना किसी की पढ़ाई विचाले रुके ना ये सबनों अपने तौर के उत्ते उद्यम करने चाहिए आपदे न्याणे पालन के लिए बंदा हर कुछ करता पर जिन्हां दे नहीं पढ़ सकते जिन्हां दे कोले नहीं समर्था उन्हां दे लई भी कुछ ना कुछ करना चाहिए मैनू हुण समझ आउंदियां उह गल्लां कि मेरे माँ बाप किहड़ी गल्लों इह गल कहिंदे हुंदे सी जदों असीं निक्के निक्के सी भैण भरा भी दोवां दे विच्चों इक नूं हटा लईए पढ़न नूं मुंडे नूं हटा लईए जां कुड़ी नूं हटा लईए मैनू उदों समझ नहीं सी भी क्यों हटाउंदे आ पर मेरी माता ने सत्कारयोग माता जी ने यह गल कही कि मैं लोगों के वध कपड़े सिउ लूँ मैं वध कम कर लूँ आप दुध वध डेयरी च पा लांगे पर मैं दोवां बच्चों के विचों किसी नूं पढ़नों नहीं हटाउणा जे कितने माता जी उदों स्टैंड ना लेंदे तां मेरी दसवीं छुट जानी सी शायद जां भैण दी अठवीं छुट जांदी पर मेरे सत्कारयोग पिता जी ने मेहनत बहुत की मैं अक्सर ही अध्यापक साहबान ते जिहड़े साडे असीं तुहाडी भावुकता नूं समझदे आं इह उह थां है जिथे हर एक बंदा जिवें तुसीं कहा के भावुक हो जांदा है बंदे नूं बहुत सारियां चीज़ां बहुत सारियां गल्लां बहुत सारे दृश्य अखां मूहरे उवें घूमण लग जांदे ने हू बहू जिवें उह बीते च सी सब कुछ सो उस भावुकता नूं असीं समझदे आं चंगी तरह क्योंकि ना सत्कारयोग पिता जी ने सारी उम्र बहुत कम किया उह दुनिया दे उत्ते नहीं रहे पर मैनूं कल्ली कल्ली गल चेते आउंदी आ कि उहनां ने सानूं पढ़ाउण दे लई उहनां ने किन्नी जद्दोजहद कीती किन्ने यतन कीते आ यही कारण आ कि जिथे भी अध्यापक मिलते हैं मैं विश जाना जिथे भी कोई ड्राइवर साथी मिलता भावें वह किसी भी चीज़ की ड्राइवरी करता ट्रक ड्राइवर वीर आ जोड़े उन्होंने प्रति मेरे मन च बहुत सत्कार आ क्योंकि मेरे पिता जी ने 25 साल ट्रक चला के कदे कि ट्रक चलाया कदे कि ट्रक चलाया कदे कि ट्रक चलाया उन्हें सानू पालिया वो दुनिया के उत्ते नहीं रहे उन्होंने कल्ली कल्ली गल है जी चेते वसी हुई है जो वह ज्यौदे होंगे तो गल् होर होंदिया पर इन बच्चों देख के भी जे खेडते फिरते इसे खेड के मैदान असी भी खेडते सी तो मैं रेशम बाई जी का इस करके धन्यवादी हाँ उन्होंने लोड़वंद बच्चों कोटियां स्वैटर वंडे आ साडे कोले भी कोटियां स्वैटर नहीं सी हुंदे भैण भरावां कोले साडे सत्कारयोग मैडम जी शिमला देवी जी मास्टर जसवंत सिंह जी मैडम रजिंदर कौर जी ममता जी ते इत्थे गोल्डी मैडम होर बहुत सारे अध्यापक साहिबान आ प्रवीण जी मैडम परमजीत कौर जी मैडम जोगिंदर कौर जी जिन्हां ने सानूं इन्ना क मदद की साड़ी ना सानूं कदे फीस देण दित्ती उदों 8 रुपये फीस हुंदी सी ना सानूं कदे बूटां दी कमी आउण दित्ती ना सानूं कदे किताब कापी की कमी आउण दित्ती सो असी जो भी हाँ असी उन्हां दे बस शब्द है नहीं मेरे कोले निशब्द हाँ उन्हां दे करके हाँ सो वो जाउंदे रहन चढ़दी कला दे विच रहन ये बच्चे आ जिहड़े ये बहुत अग्गे निकल जाण ये बहुत जिंदगी दे विच कुछ कर दिखाउण ते मेरी बेनती फिर यही है भी असी बहुत सारियां थावां दे उत्ते पैसे आपदी मानसिक तसली दे लई भटदे हाँ कोई गेट बना रहा वड्डा कोई होर दिखावे वाला कम कर रहा कोई रजे नू होर तरीके नाल रजा रहा पर तुसी आपो अपने पिंडां दे विच स्कूल ते आपो अपने पिंडां दे विच होर जिथे भी तुहानू लगदा भी भाई ये लोड़वंद आ उहदी मदद करनी शुरू करो मेरा ख्याल आ भी इही लोड़ आ समें दी जी बिल्कुल सही कह रहे हो टैणा साहब ते अज तुहानू भी पुछण नू जी करदा चाहीदा विचार चाके किवें दा लग्गिया देखो बहुत मेहनत कीती ते जे सब कुछ ठीक रहा तो करदे रहांगे ये प्रोग्राम तुहाडा सी तुहाडा है तो तुहाडा रहूगा मैं तो एक सहयोगी हाँ सो प्रोग्राम दे बारे अपने आप की कहिए आप दे बारे की कहना चाहिए अस तो सिख रहे हैं दर्शक साढ़े परिवार के मैंबर आ साढ़े जी आ वड्डे सत्कारयोग आ उन्हां दे करके आ सारा कुछ तो बहुत सारियां कमियां पेशियां भी रहिंदियां तो मैं एक गल जरूर कहनी चाहुंदा कि पत्रकारी 9 तो लैके 5 बजे तक करन वाली नौकरी नहीं आ भी 9 बजे दफ्तर के आए तो 4:30 बजे पेन जिहड़ा जेब च टंग लिया तो 5 बज गए तो निकल चल गए ये रात को 1 बजे करने वाला कम भी आ ये रात को 2:30 बजे उठ के करने वाला कम भी आ ये 24 घंटे के 19 घंटे 20 घंटे करने वाला कम आ जिहड़ा भी बंदा मेहनत करता वह किसी भी खेत्र के मैं कदे कदे सोचता हूं कि जे मैं 19 घंटे मिस्त्री का कम करता शायद मैं बहुत सोहनी कंध कढ़नी सीख जाता जे मान लो उदो मैनूं दर्जी वाले कम दे विच मेरे मापे पा देंदे ते मैं 20-20 घंटे करता हो सकता मैं तरपाई बहुत सोहनी करता मैं हो सकता पहुँचे बड़े सोहने बनाउंदा हुंदा जे मान लो मैनूं कितें मकैनिकी का कम सिखा दिंदे जिवें कि लोड़ सी घर दी हो सकता कि मैं उदो हुण तक बहुत वधिया मकैनिक हुंदा जेकर मैं इन्ने घंटे लाउंदा हुंदा अज भी 20-21 घंटे 18-19 घंटे
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੌਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟੱਲੀ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ